नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक स्वागत मोरी जियोग्राफी ओडिया यूट्यूब चैनल को। आम आरंभ करथिले सप्तम श्रेणी रो वायुमंडल विषय को तो आम आरंभ करिबा। किंतु दर्शक बंधु, जदि यह भिडियोटी भल लगे ताहले निहाती गोटे लाइक करिबे एवं एही चैनल रो भिडियो गुड़िक पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तेबे एही भिडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु भिडियो रे आम कौन पढ़िबा टिकी जानिलेबा। फर्स्ट रही पृथ्वीर सागर, सेकेंड रही पृथ्वीर पांचटी महासागर, प्रशांत महासागर बा पैसिफिक ओशन, आटलांटिक महासागर, भारत महासागर बा इंडियन ओशन, उत्तर महासागर बा नॉर्थ ओशन, दक्षिण महासागर बा साउथ ओशन, थर्ड रे महासागर और सागर तल। तेबे चलंतु विषय को आम आरंभ करिबा। पृथ्वीर वायुमंडल मुख्यतः महासागर, सागर, ह्रद इत्यादि को नहीं गठित बोली आमे पूर्व भिडियो देखी। पृथ्वी पृष्ठर 71% जलभाग माने एहा प्राय 36 कोटी वर्ग किलोमीटर अंचल परिव्याप्त। वायुमंडल जी परिमाण जलराशि रही प्राय 97% सागर और महासागर लुणी जल, बाकी 3% मधुर जल। तेबे चलंतु सागर विषय पढ़िबा। सागर और उपसागर रे मध्य महासागर जल परी लवणाक्त जल रही। एगुड़िक मध्यरु अधिकांश महासागर सह संयुक्त। महासागर क्षेत्रफल और गभीरता तुलनारे सागर और उपसागर क्षेत्रफल और गभीरता बहुत कम। पृथ्वीर सागर गुड़िक मध्यरे दक्षिण चीन सागर सबुठारु बड़, एहा प्रशांत महासागर अंश विशेष। तो ठीक से ही परी पृथ्वीर अन्यान्य सागर गुड़िक मध्यरे जापान सागर माने सी ऑफ जापान मध्य प्रशांत महासागर अंश विशेष। तो उत्तर सागर माने नॉर्थ सी, कारबियन सी, भूमध्य सागर माने मेडिटेरियन सी, एगुड़िक आटलांटिक ओशन सह संयुक्त हो रही। अरब सागर इंडियन ओशन सह संयुक्त हो रही। पृथ्वीर स्थल भाग रे मध्य केतेक जगार लुणी पानी थिबा जल भाग देखा जाए, ताहाकु ह्रद कहा जाए। एगुड़िक मध्य सागर आख्या दिया जाए। कास्पियन सागर एपरि एक अंतर्देशीय ह्रद। पृथ्वीर महासागर, पृथ्वी पृष्ठरे पांचटी महासागर रही। सेगुड़िक हेला प्रशांत महासागर माने पैसिफिक ओशन, आटलांटिक ओशन, भारत महासागर माने इंडियन ओशन, उत्तर महासागर नॉर्थ ओशन बा जहाँ सुमेरु महासागर मध्य कहा जाए, दक्षिण महासागर बा कुमेरु महासागर बा साउथ ओशन। तेब प्रथम आम जानिबा प्रशांत महासागर माने पैसिफिक ओशन विषय। पृथ्वीर सर्वबृहत महासागर हेउची एही प्रशांत महासागर, कारण एहार समुदाय क्षेत्रफल पृथ्वीर क्षेत्रफल प्राय 1/3 एवं अन्य सब महासागर तुलनारे एहा गभीरतम। पृथ्वीर गभीरतम खात माने ट्रेंच जहार नाम मेरियाना एही महासागर रे अवस्थित। एही महासागर पूर्व दिगरे उत्तर आमेरिका और दक्षिण आमेरिका, पश्चिम दिगरे एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, उत्तर रे सुमेरु महासागर और दक्षिण रे अंटार्कटिका महादेश अवस्थित। एही महासागर रे फिलीपींस, न्यूजीलैंड और हवाई द्वीपपुंज माने आइसलैंड रही। तो आटलांटिक महासागर कौन ता विषय आम जानिबा। एहा पृथ्वीर द्वितीय बृहत्तम महासागर, एहार मोट क्षेत्रफल समग्र पृथ्वी पृष्ठर प्राय 1/6। एहार पूर्व दिगरे यूरोप और आफ्रिका, पश्चिम दिगरे उत्तर आमेरिका और दक्षिण आमेरिका, उत्तर दिगरे सुमेरु महासागर और दक्षिण दिगरे अंटार्कटिका महादेश रही। एही महासागर रे ब्रिटिश द्वीपपुंज, ग्रीनलैंड और आइसलैंड प्रभृति द्वीपपुंज रही। आउ एक इम्पोर्टेंट कथा हेउछि जे एही महासागर उपकूल अधिक दंतुरित माने उपकूल असमान
स्थाने स्थाने भीतरकु पशि थाए तो कौन सी स्थान बाहर को मध्य बाहरी आसी थाए ठीक दांत परी फलरे अनेक प्राकृतिक पोताश्रय और बंदर मान गढ़ी उठी। एही महासागर दुई पाखरे यूरोप और उत्तर अमेरिका परी समृद्धिशाली माने धनी देश रही थिबारु एही महासागर दे अनेक वाणिज्य कारबार होइथाय। भारत महासागर बा इंडियन ओशन एही महासागर आम देश भारत नाम अनुसार नामित करा जायछि। भारत मियामार मालेशिया इंडोनेशिया इत्यादि महादेश एही महासागर निकटरे अवस्थित। श्रीलंका माडागास्कर आंडामान निकोबर द्वीपपुंज एही महासागर निकटरे अवस्थित। तो उत्तर महासागर क्षेत्रफल दृष्टिरु उत्तर महासागर पृथ्वीर सबुठारु छोट महासागर कारण यार क्षेत्रफल पृथ्वीर समुद्र क्षेत्रफलर शतकड़ा दुई भाग कम। उत्तर मेरु बा सुमेरु को लागि रही थिबारु एहाकु सुमेरु महासागर कहा जाए। एहा बेरिंग प्रणाली द्वारा प्रशांत महासागर सहित संयुक्त। कानाडा देशर केतेक द्वीपपुंज और न्यू साइबेरिया द्वीपपुंज एही महासागर रे अवस्थित। दक्षिण महासागर बा साउथ ओशन एहाकु कुमेरु महासागर मध्य कहा जाए। एहा प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर और भारत महासागर दक्षिण अंशकु नहीं गठित। ऑस्ट्रेलिया आफ्रिका इत्यादि देश पाखापाखि अवस्थित। महासागर और सागर तल माने ओशन फ्लोर पृथ्वी पृष्ठ रे जेपरी भूभाग बा भूतोक बा जेउ लेयर रहिछि सेहिपरी सागर और महासागर जलराशि निम्न भाग रे भूभाग को बा जो प्लेन सरफेस रहिला ताहाकु सागर और महासागर तल कहा जाए। भूमि उपरे जेमिति केउठी समतल भूमि तो केउठी मालभूमि तो केउठी निम्नभूमि रहिछि तो ठीक सेही परि सागर तले मध्य समतल भूमि पर्वत गभीर खात बा ट्रेंच तो केउठी उच्च भूमि इत्यादि भिन्न भिन्न भूमि रूप सब देखिबाकु मिले। तो एही महासागर केते विशाल तो एही महासागर समतल रे अनेक गुड़िए जिनिस रहिछि जेउ गुड़िक आपण मानकर एही सप्तम श्रेणी पाठ्यपुस्तक रे नाही। जदि आमी ऊपर श्रेणी को जीवा ताहाले एही महासागर और सागर विषय रे बहुत किछि जानि पारिबा। तो एठारे महासागर समतल को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। से गुड़िक हैला महीसोपान बा कॉन्टिनेंटल शेल्फ महीढालु कॉन्टिनेंटल स्लोप महासागर समतल बा एबिस प्लेन। तो एगुड़िक विषय आम गोटी गोटी करी भल भाव आलोचना करवा। प्रथम आम पढ़ा महीसोपान बा कॉन्टिनेंटल सेल्फ विषय समुद्र कूल ठारु किछि दूर पर्यंत महादेशर अल्प गडाणीय भूभाग जल भितरे बुड़ी रही महीसोपान कहा जाए बा कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाए। एही महीसोपानर विस्तृति सबु जगह समान नथाय केउठारे अधिक तो केउठारे टिके कम। एठारे विभिन्न प्रकार सामुद्रिक जीवजंतु और उद्भिद देखा जाती कारण एठाकु सूर्यंकर किरण पहुंची पारे। एही अंचल रे माछ धरा केंद्र मान मध्य रहिछि तो एही ठारु मध्य खनिज तैल और मुक्ता संग्रह करा जाए। तो खनिज तैल एठारे देखा जाए कारण एठारे विभिन्न प्रकार सामुद्रिक जीव और उद्भिद देखा जाती से माने जेते बेले मरी जाती से मानंकर मृतावशेष एठारे पची जाए और पोती होई जाए। अन्य पक्षरे सूर्यंक किरण द्वारा अधिक ताप और रासायनिक प्रतिक्रिया होई चाप पड़ीबा फलरे एगुड़िक खनिज तैल रे परिणत होइथांती। एही कारणरु एठारे खनिज तैल देखा जाए। तो महीसोपानर शेष भाग को भूमि अधिक ढालु हो जाए गभीर समुद्र आड़ को लंबी जाए थाए। एठारे ढालुर अर्थ है भूमि उच्च हो तीख गडाणीय हेबाकु ढालु कह जाए। अधिक गडाणीय अंचल को महीढालु कहुए बा कॉन्टिनेंटल स्लोप कह जाए। महीढालु रे कौनसी प्रकार उद्भिद देखा जाए ना कारण यह बहुत तीख माने स्लोपी होइथिबारु
एठारे कौन सी प्रकार शिलाणु बा कौन सी प्रकार पदार्थ जमा हो कि रहे ना धोई हो कि पड़े थाए से एठारे उद्भिद देखा जाए ना। तो महीढ़ालुर निम्न अंश को समुद्र तलर विस्तृत सज्जा को महासागर समतल माने आबिस प्लेन कहुए एठारे ढालू देखा जाए ना। तेबे एहा मध्य संपूर्ण समतल नुहे कारण एठारे महासागर खात माने ट्रेंचेस देखा जाए पर्वत श्रेणी माने माउंटेन्स आदि देखा जाए भूपृष्ठरु क्षय होइथिबा अति छोट छोट शिलाणु गुड़िक विभिन्न पदार्थ बहुत दूर पर्यंत भासी जाइथिबारु सागर समतल रे जमा होइथाय फलरे पर्वत सब सृष्टि होइथाय। एहा व्यतीत विभिन्न प्रकार सामुद्रिक उद्भिद ओ जीवजंतुंकर भूत अंश महासागर तल अंश रे जमा होइ एक प्रकार कोमल माने अति नरम पंक सृष्टि होइथाय ताहाको सिंधुमळ कहा जाए। दर्शक बंधु आज भिडियोटी तो ये शेष हो जाए किंतु भावंतु ना विषय टी शेष हो जाए विषय पार्ट थ्री आउ गोटे भिडियो रही आपण मैंने देखिपर रोच। जय जगन्नाथ।